सूर्य उपासना का महापर्व छठ आगामी 17 नवंबर को नहाय खाय के साथ शुरू हो जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की अपनी एक अलग महानता है और व्रत के सभी अलग अलग दिनों का महत्व काफी खास है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाय से होती है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाय यानी इसका अर्थ है स्नान करके भोजन करना। इस दिन कद्दू भात यानी चावल खाने का विशेष महत्व होता है। इस परंपरा में व्रती नदी या तालाब में स्नान कर कच्चे चावल का भात, चना दाल और कद्दू, लौकी या घिया प्रसाद के रूप में बनाकर ग्रहण करती हैं। इस भोजन को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इस दिन का खाना सेंधा नमक में बनाया जाता है। मूल रूप से नहाय खाय का संबंध शुद्धता से है। इसमें व्रती खुद को सात्विक और पवित्र कर छठ का व्रत करती हैं। के दिन छठ पूजा व्रत की शुरुआत में कद्दू भात खाया जाता है और सेहत के लिहाज से भी कद्दू आसानी से पचने वाली सब्जी है। नहाय खाय के दिन व्रती अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करते हैं क्योंकि इस पर्व में शुद्धता का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन छठ व्रती पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर पूजा ध्यान करती हैं। इस दिन व्रती सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण करती हैं और साफ सफाई और शुद्धता के साथ पहले दिन सेंधा नमक युक्त भोजन बनाया जाता है और ध्यान और पूजा किया जाता है। इस महापर्व छठ के चारों दिन घर के बाकी सदस्य जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी सात्विक भोजन ही करना होता है और सारे नियम का पालन उन सभी घर के सदस्यों को भी करना पड़ता है। नहाय खाय वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। छठ पूजा की नहाय खाय परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करते हैं और उसके बाद पूजा करके कद्दू भात का भोजन ग्रहण करते हैं।